अगर कोई स्वर्ग की बात करता है तो हम कहते हैं मेरा घर देख ले आकर के, ये स्वर्ग है धरती का। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हम नवाब चक में हैं और यह नवाब चक गुरुवार में पड़ता है। शोक सभा का, आदरांजलि सभा का आयोजन किया गया है। चमारी महतो थे और उनका देहांत हो गया था, उन्हीं के शोक सभा को आज यहां पर मनाया जा रहा है। उनके बड़े पुत्र हैं नागेंद्र जी, हम उनसे बात। जो शोक सभा है, जो आदरांजलि सभा है, यह जो कार्यक्रम की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? मेरा नाम नागेंद्र सिंह हुआ जी, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ जी सर। और मेरे पिता श्रद्धे चमारी महतो की याद और सम्मान में ही यह शोक सभा सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित है और इसके आयोजक भी हम लोग हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा हमने तय किया, हम लोगों ने जो तय किया जी, यह रूपरेखा आप कहे कि कहाँ से आई? हमने सीखा महामाना राम स्वरूप वर्मा से, हमने सीखा यह कार्यक्रम की रूपरेखा भारत ललिन जगदेव प्रसाद जी से, हमने सीखा यह कार्यक्रम की रूपरेखा महात्मा बुद्ध से, ज्योतिबा फूले सावित्री बाई फूले से, बाबा साहेब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर से, मानवर कांसी राम साहब से और उत्तर भारत के पेरियार ललित सिंह यादव साहब से। ये तमाम अनगिनत जो महापुरुष हमारे लिए जो लड़े हैं, बहुजन समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, जो हजारों साल से लांछित वांछित अपमानित हैं, उनके जो लड़ाई लड़ी है और उन्होंने जो हमको मैसेज दिया था, हम उनसे सीख करके यह लड़ाई लड़े हैं। क्योंकि हमारे महापुरुष उस जमाने में, आज के 100 बरस पहले, 1000 बरस पहले, किन परिस्थितियों में हमारे लिए रास्ता बनाया होगा, किन परिस्थितियों में इन चीज़ों को उन्होंने सोचा होगा और ज़मीन पर उतारा होगा, हम सोच नहीं सकते हैं। जब ये 20वीं शताब्दी में इस देश का पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, नेता, साहित्यकार, पत्रकार आज हिम्मत नहीं करता है, किसी सच को सच कहने का हिम्मत नहीं कर रहा है। और हमें इसी बात का हमेशा मैं गंभीरता से सोचता हूँ कि कैसे वो लोग होंगे महामाना राम स्वरूप वर्मा, कैसे वो तमाम महापुरुष होंगे जिन्होंने उस समय इसकी रूपरेखा रखी थी कि मैं कमेरा वर्ग का नेतृत्व करूँगा और लुटेरा वर्ग को हम लूटने का मौका नहीं देंगे। ये उनके रास्ता हमने सीखा था, जगदीश मास्टर का रास्ता सीखा था। अब आई दूसरी बात कि ये दो इशू पर हम लोगों ने इसको रखा है। एक है शिक्षा के रास्ते शून्य से शिखर तक। नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था 27 वर्षों से जेल में रह करके और जन आंदोलन का नेतृत्व करके, क्या कहा था? कहा था दुनिया को बदलने के लिए, समाज और व्यक्ति को बदलने के लिए अगर सबसे बढ़िया हथियार है तो उसका नाम शिक्षा है, और दुनिया को मूर्ख बना करके राज करने के लिए अगर सबसे बढ़िया हथियार है तो उसका नाम धर्म है। मैं इन धर्म और ढकोसला, पाखंड, अंधविश्वास, ये तमाम चीज़ों से समाज को निकालने के लिए इन तमाम महापुरुषों से सीख करके रास्ते पर आया कि शिक्षा ही एक सीढ़ी है जिससे हम उन तमाम जगहों पर जा सकते हैं, उन तमाम ऊंचाइयों को पा सकते हैं जो वो लोग पाते रहे हैं, और हमको मूर्ख बनाते हैं कि तुम्हारा बाप मरे, माए मरे, जवान पति मरे, जवान बेटा मरे, जवान माँ मर जाए, जवान भाभी मर जाए, जवान बहन मर जाए, तो क्या है कि तुम भोज देना नहीं जी। मैं कहता हूँ कि अगर किसी का पैर, मेरा आज पैर कट जाए और मेरा भाई, मेरा बेटा और बेटी अगर मिठाई बांटे तो पैर कटा हुआ हालत में भी मेरा पैर ठीक होते मैं उन लोगों का हत्या कर दूंगा कि मेरे जब पैर कटे थे तो ये लोग हमको मिठाई बांट रहे थे, ये मेरे घोर आपदा में। और जब किसी की मौत हो जाए और मौत के हालत में वो घर घोर आपदा में रहता है, वैसे परिस्थिति में अस्पताल से आता है इलाज करा करके 10 लाख 5 लाख रुपया लगा करके, उसी में उजड़ जाता है, और जब घर लाश लेके आता है तो समाज के परंपरा के मजबूरियों में क्या करता है कि भोज तो देना ही पड़ेगा, वो भोज परंपरा के मजबूरियों में देता है, और ये समाज का जो लोग है वो नाच और बाजा गा गा करके उनकी मिठाइयाँ खाता है और जश्न मनाता है। कहीं से भी ये चीज़ें वैज्ञानिक नहीं है, कहीं से भी ये चीज़ें तार्किक नहीं है, कहीं से ये चीज़ें मानवीय नहीं है, और कहीं से हमें लगता है ये बेहुदा जो
एजेंडा है उन तमाम हमारे दुश्मनों का, जो चाहते हैं कि इस देश का जो मजलूम वर्ग है, दबा कुचला लाचार वर्ग है, इसका बेटा ना पढ़े और पढ़ाई के जगह पढ़ाई का खर्च वो मंदिर में लगावे, वो ये खराब सड़ी गली व्यवस्थाओं को जिंदा रखने में लगाए। हम इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं और तमाम नौजवान को, तमाम बेटे बेटियाँ को, तमाम इस देश के माता और बहनों को ये बताना चाहते हैं कि आप मेरे जैसा आप कर सकते हैं, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं कोई नरक नहीं है, कहीं को भाग्य और भगवान नहीं है। अगर भाग्य और भगवान कहीं है तो शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा है। इसी पारंपरिक तरीके से जो आज तक भोज का आयोजन होता था मृत्यु उपरांत, तो यह शोक सभा है और शोक सभा का जो जिस तरह से परिवर्तन किया गया, हम तमाम चीज़ों को दिखाऊंगा। मेरे साथ भी पूर्व MLC हैं, माननीय उपेंद्र वर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। जानकारी है कि चमारी महतो जी बिल्कुल अशिक्षित थे। जो व्यक्ति अशिक्षित है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, दोष उसके पुरखे का है, उनके पिताजी का दोष है और व्यवस्था का है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि अपने मूर्ख हो या पढ़ा लिखा हो, उसका यदि बेटा मूर्ख निकलता है तो उसके लिए वह व्यक्ति दोषी है। अब आपको जानकर खुशी होगी कि चमारी महतो बिल्कुल निरक्षर थे और उन्होंने निरक्षरता रहते हुए पढ़ाई के महत्व को इतना समझा कि उनके दो दो बेटे एक इंजीनियर बने, एक कमिश्नर बने इनकम टैक्स में, और पोती और पोता दोनों क्लास वन अफसर बने। यह चमारी महतो का सोच था। और चमारी महतो ने जो ये रखा, जो सोच पैदा किया, उसी सोच के अंतर्गत आज इन्होंने भी उनके श्रद्धांजलि सभा में विषय रखा, शिक्षा के रास्ते शून्य से शिखर तक। और निश्चित रूप से चमारी महतो इसको सिद्ध किया। आज जाने के बाद भी आज पूरा समाज इस चीज़ को स्वीकार रहा है कि जो उन्होंने जो अलग जगाया है शिक्षा का, अनपढ़ रहते हुए, ठेपा मार रहते हुए, एक प्रेरणा है समाज के लिए। और इसी अवसर पर मैं आया हूँ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और जो हजारों साल से रूढ़िवादी जो परंपरा चली आ रही थी, जिस पर इन्होंने बहुत अच्छा आज प्रहार किया है, उनके बच्चों ने, उनके लड़के ने और उनके घर के परिवार वालों ने, हम उनको बधाई देते हैं। तो ये जो हजारों साल का जो कोड़ है उसके मिटाने का यह जो कारवां है बढ़ चला है, आज वही कारवां बढ़ करके गांव गांव और गली गली तक गूंज रहा है। मैं थोड़ा सा और बात करेंगे सर से कि इसी फैमिली से जिस तरह से गरीबी से उठ करके इनके घर का जो बैकग्राउंड है, अच्छे अच्छे पदों पे लोग गए हैं, उनके बारे में हमको सर बताएँ। इतना इंटरेस्ट लेने के लिए आपके चैनल को और आपको, आपकी टीम को बहुत धन्यवाद। आप अभी हमारे बड़े भाई उपेंद्र भैया के दिलों में मैं बहुत बड़ा जगह बना चुका हूँ, और हमारे दिलों में भी, हमारे घर में ये बसते हैं दिलों में। बहुत बातें हो चुकी, मैं पहले बता दिया, लेकिन मैं संक्षेप में बता दूं कि मैं खुद उनके बड़े लड़का इंजीनियर हूँ ग्रामीण विकास विभाग में सासाराम में। मेरे छोटे भाई 10 साल की उम्र का गैप है, वो एक अलग कहानी होगी कैसे आगे चले। वो अभी डिप्टी कमिश्नर पटना सर्किल के हैं GST का। उनकी पत्नी मतलब हमारी भवह श्रीमती ममता रानी, वह आरा में उद्वंत नगर ब्लॉक में वो CDPO हैं। मेरी पुत्री मतलब मेरे श्रद्धे चमारी महतो की पोती कुमारी ज्योति, वो अभी वरीय उपसमाहर्ता हैं, मतलब SDM के रैंक में हैं, ये मोतिहारी में, ठीक है। उनके पति मतलब हमारे दामाद कौशल किशोर कमल साहब, वो DYSP हैं आर्थिक अपराध इकाई पटना में। मेरा एक बेटा है गौरव लाल, वह अभी मधुबनी में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसके पहले के BPSC में वो आए थे और इस बार 66वीं BPSC में वो जिला परिवहन पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर में वो आए हैं। मेरी छोटी एक बेटी है कुमारी दीपा, वह दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रही है। मेरे ही बच्चे हैं, हमारे 5 बच्चे हैं मानते हैं, भाई के 2 बच्चे और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा घर अगर कोई स्वर्ग की बात करता है तो हम कहते हैं मेरा घर देख ले आकर के, ये स्वर्ग है धरती का। मेरे बच्चे आपस में नहीं जानता कि कौन
अपना बाप है कौन पराया बाप है, कौन अपनी माँ है कौन पराई माँ है, यह त्याग पर, न्याय पर, भाईचारा पर, बंधुत्व पर, आपसी एक दूसरे के दुख और सुख में ईमानदारी से भाग लेने के आधार पर यह प्यार और मोहब्बत का संसार है। परम पूज्य पिताजी श्रद्धे चमारी महतो की वजह से है। और एक लाइन और जोड़ दें कि अगर इस लड़ाई में आज़ादी के सेनानी बिहार राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी संगठन के महासचिव परम पूज्य अभी वो भी नहीं रहे विष्णुदेव प्रसाद यादव जी से हमारी मुलाकात नहीं होती, तो शायद यह मुकाम और आपसे मिलने का, भैया से मिलने का, ये हुजूम लगाने का, ये मेला खड़ा करने का ये मौका नहीं मिलता। मैं उनको आज भी अभी भी अपने पिताजी के साथ वो धर्मपिता विष्णुदेव प्रसाद यादव को नमन करता हूँ, याद करता हूँ और तहे दिल से आप सबों के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज देखेंगे आप कि अभी तक जो भोज होता था तो पारंपरिक रूप से ब्राह्मण भोज होता था, लेकिन यहाँ का जो खान पान, रहन सहन, उठन बैठन का जो सिस्टम है वो देखने बनती है और यह अनुकरणीय है। मैं नागेंद्र सर को मैं इस सभा की वजह से नहीं बस एक अच्छा व्यक्ति बोल सकता हूँ, ये एक दो दिन के सफ़र में अच्छे व्यक्ति नहीं बने हैं, ये एक शुरुआत से जो इन्होंने अपनी एक सोच रखा है और जिस तरह का इन्होंने अपनी तरफ से योगदान दिया समाज को, जिसकी वजह से ये अच्छे इंसान हैं और आज तक इतनी बड़ी भीड़ इनकी से मिल इस सभा में एक इनविटेशन पर पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं इनका संघर्ष और ये सारी चीज़ें काफ़ी अलग टाइप से रही है इस प्रोग्राम में, काफ़ी अच्छा रहा। आज तक लोग मृत्यु भोज में पूड़ी खाते थे, जलेबी खाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, आज आप लोगों को चावल दाल सब्जी खाने को मिल रहा है। सर ये नागेंद्र सर इनकी ज़िंदगी ही कंप्लीट लोगों के लिए एक उपदेश और शिक्षा है, इन्होंने इससे ये साबित कर दिया है कि ये चाहते तो दुनिया का कोई सा भी पकवान यहाँ हाजिर करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पास एक सिंपल भोजन ये लोगों शोक सभा में लागू करके ये दिखा दिया। जैसे पहले हम लोग भोज खाते थे, पूरी पकवान खाते थे, आज यहाँ पर सिंपल दाल चावल सब्जी मिल रहा है खाने को, उस पे क्या कहेंगे? इस पर शोक सभा, ये परिवर्तन कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा है जी। हाँ, ये परिवर्तन बहुत अच्छा है। और कार्यक्रम आपके पिताजी के द्वारा किया गया, आपको उसमें कैसा लगता है? ये बिल्कुल सही, ऐसा ही होना भी चाहिए। मान लीजिए अब किसी के घर ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा अकस्मात किसी की मृत्यु हुई, उस पर आप ऐसे बोलेंगे कि मतलब अगले दिन भोज करना है, ये करना है, ऐसा कुछ वो करना, वो तो ठीक बात है नहीं, इसीलिए इसका तो बहिष्कार करना ही चाहिए। बिल्कुल वो सही बात है। तो और भी लोग हैं, आप लोग कैसा लगता है, ये कार्यक्रम कैसा लगा? ये तो बदलाव हमारे देश में हो ऐसा मैं हमेशा चाहता हूँ सर, क्योंकि जब कोई ऑफ होता है तो उसके साथ दुखद घड़ी में भी मर मिठाइयाँ खिलाना पड़ता है, तो अभी ये शोक समारोह है तो इसमें किसी भी को ऐसे ही करना चाहिए, मैं तो मानता हूँ। ये तो सवाल है कि हम लोग मानव हैं, सबको जाने हैं, पढ़े लिखे हैं, अन्न पानी हवा से आदमी जिंदा है, तो यहाँ जब आए हैं तो हम लोग कम से कम जीने के लिए तो कुछ जरूर मन में डालेंगे, तभी ना बचेंगे जी, जी। उसकी व्यवस्था है, अच्छा, ये भोज तो है नहीं, भोज नहीं है, भोज है ये नहीं है जी। भोज तो वो करते हैं जो मरने के बाद खटिया मटिया तोसक तकिया जेकर एक टूसी हरदी जेकर बाप दादा नाना नानी के नखे लगल तो ओकरे बीजे पहले हुई थे, तो इस संस्कृति में हमने आग लगा दिली, गुलामी पर महसूस बुझाई थे, धन है हमर, मन है हमर, गेहूँ पैदा हम कहले ही, तोरी तीसी हम पैदा कहले ही, गाय पोसले ही तो हमर बेटी बहन में ठा के घी और माठा पैदा कहले है, और तोरा पर पकवान चढ़े थे, अब ये ने अब कहे थे कि शिक्षा है देश में, ये शिक्षा अब नहीं चलेगा, ये कथा वाला हाई हो गया सर, ये आपद कब तक? तो जब तक चला तब तक, अब न ठगला से तू ठगला, अब न ठग बाबा जी, आंदोलन चढ़ दिया, हम लोग चढ़ गए पूरे भारत में, ये नरेंद्र मोदी जी हम लोग के साथ नौटंकी कर रहे हैं, वो बताएंगे कि वो जन्म में कहा हुआ है, याद है नरेंद्र मोदी बता सके कि वो जन्म के बाद तू बताओ तो, और तो देवता कैसे पैदा ले थो, ये खोल तो हिम्मत हो तो देश में जनता के सार्वजनिक करे नरेंद्र मोदी जी कि तोर देवता के कैसे पैदा ले लन, हमने तो पैदा ले ली तो फरमान है,
हम न देख ली तो केकरो पैदा हुई देख ली तो पता चलल न कि बाबू की कैसे हम लोग आए। अभी नरेंद्र मोदी खाली राम नजर आवे थे, विज्ञान नजर न आवे हैं। उनकर विज्ञान फेल हो गए, केकरो गगरी से पैदा कल तो कोई कान फूके से हलवा, तो कोई मल से जन्म गल तो कोई राह में गिर गए तो फैक्ट्री बंद करा कर करा दिल। ये सारा समस्या है, इसलिए ये भोज है ही नहीं। हाँ तो ये इस पे क्या कहेंगे लोगों को, इस तरह कहीं कार्यक्रम करना चाहिए आयोजन? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, भोज तो बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जहाँ होंगे तो जिंदा रहने के लिए तो कुछ हम लोग अन्न पानी करेंगे ना। बिना तेल पेट्रोल के गाड़ी जब नहीं चल सकती है तो ये मानव जीवन है कैसे चलेगा बाबू? बिना तेल पेट्रोल, तेल पेट्रोल रही ना है तो हम लोग तेल पेट्रोल बाबू रखे। आज हमारे दादाजी का शोक सभा है, इस शोक सभा में एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। एक बहुत बड़ी कुरीति के तौर पे मृत्यु भोज हमारे समाज में परंपराओं से सदियों से चला आ रहा था। हमारी पूरी परिवार, हमारे पूरे गांव के लोगों के सहयोग से मृत्यु भोज एक सामाजिक पाप, एक नैतिक पाप पर एक शोक सभा के साथ साथ एक सामाजिक चिंतन और परिचर्चा रखी गई है। बहुत ज़रूरी होता है कि सामाजिक कुरीतियों को अब 21वीं शताब्दी में जब विज्ञानवाद हावी है, मानववाद हावी है, तब इसको चुनौती देने का समय आ गया है। ये चुनौती केवल जो है एक तर्क के आधार पे है, विज्ञान के आधार पे है और सोच समझ के देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम अब मृत्यु भोज, क्षति प्रथा, दहेज, इन सब कुरूतियों में अब जकड़े रहने का अब समय नहीं है। बस आप सब लोग भी आए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर चूँकि मेरे अपने दादाजी को हमने खोया है, आप सबका इस कार्यक्रम में भी, मीडिया बंधु हो और भी लोग हैं उन सबका जो सहयोग मिला इसके लिए काफ़ी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गौरव लाल। देखिए गौरव जी ने बताया किस तरह से मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाए हैं, इस पर रोक लगाई गई है, शोक सभा का आयोजन किया गया है और तमाम लोग आए हैं और एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। खाने के लिए जो स्टॉल लगा है उस पर जो व्यवस्था मैं दिखाऊँगा, चूँकि इसलिए ज़रूरी है कि आमतौर पर लोग पूड़ी पकवान और मिठाई खाया करते थे और भोज किया करते थे। जब कोई घर में मृत्यु हो जाता था, किसी का देहावसान हो जाता था तो लोग ऐसा करते थे। लेकिन आज का जो यह जो शोक सभा का जो आयोजन किया गया है यह बहुत ही काबिले तारीफ इसलिए है कि जो गरीब लोग होते हैं वे और भी कर्ज में डूब जाया करते थे और इस तरह का जब आयोजन होगा तो समाज में बदलाव होगा, वे लोग कर्ज से बचेंगे। तो थोड़ा सा इधर आइएगा, हम स्टॉल की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर सबसे ज़्यादा सब कुछ परिवर्तन तो होता है लेकिन यहाँ नहीं होता है परिवर्तन। तो खाने पीने में किस तरह का परिवर्तन किया गया है देखिएगा, क्या है, क्या है इसमें? इस दाल है, भात है, रतोवा है, सब्जी है, पापड़ है और सलाद है। तो पहले पूड़ी पूड़ी खाते थे, जलेबी खाते थे, आज चावल खा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हमको है, तब बहुत खुशी हम हैं कि परिवर्तन हुआ है। हाँ परिवर्तन हुआ है, ये होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आप अच्छा, अब आप ये जो चीज़ है, जो परिवर्तन हो रहा है, इसको देख करके आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमका कृष्णा चौधरी। तो आम तौर पे जो मिठाई खाते थे, ऐसा नहीं है कि मिठाई मिलता था खाने के लिए? ना, उससे ही अच्छा है। अच्छा है। हाँ चलिए, तो ये जो लोग हैं आप देख रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, यहाँ पर दिखाइए भैया इधर, तो खाना खा रहे, स्टॉल लगा हुआ है और लोग खा रहे हैं। देखिए चूँकि काफ़ी देर से भोजन का कार्यक्रम चल रहा था, लोग खा चुके हैं और कुछ लोग जो बचे हुए हैं इधर इधर, जो कुछ लोग बचे हुए हैं स्टॉल पे भोजन ले रहे हैं और खा रहे हैं। और क्या नाम देख सकते हैं? निरंजन कुमार। आज जो शोक सभा है, यहाँ क्या खाने के लिए मिला? चावल, सब्जी, दाल। पहले तो पूड़ी खाते थे, जलेबी खाते थे, मिठाई खाते थे, आज ये खाने के लिए मिला, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या कहेंगे इस पे? इस पे कहेंगे कि इससे हमारा समाज में विकास होगा। ये जो फालतू का जो पैसा हम लोग खर्चा करते हैं उससे बचने का एक उपाय है। ब्राह्मणवाद एक ढोंगी पखंडित तरह का है, इससे हम एक इस तरह का, और इसमें सुझाव देंगे कि जो जब शोक सभा ब्राह्मणवाद कैसे करते हैं, पूड़ी खिलाते हैं, चार को मिठाई खिलाते हैं, पाँच को मिठाई खिलाते हैं, उस पैसा को बचा कर समाज को इन्वेस्ट करें तो उससे बड़ा और कुछ नहीं होगा हमारे समाज में। तो तमाम लोग हैं, जुआ पीढ़ी है और अब सोचने के लिए शुरू कर दिया है।
तो आज तक जो लोग थे नहीं सोचते थे, बात नहीं करते थे, कतराते थे बोलने से, आज आगे आकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि यह जो कार्य हो रहा है सही हो रहा है, ठीक हो रहा है। बताना चाहेंगे जी, अभी निरंजन बाबू का भी, क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार नाम हुआ। बताइए, अभी निरंजन बाबू का दो दिन पूर्व इन्होंने विवाह किया है। अच्छा, इन्होंने पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, आडंबरवाद सबका विरोध करते हुए बिना ब्राह्मण का इन्होंने शादी करने का एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। अभी दो दिन पूर्व इनकी शादी हुई है। तो इस तरह से इनके लिए एक ताली हो जाए, और इसलिए कि जहां पूरा भारत अंधविश्वास और पाखंड में सराबोर है, हिलोरे मार रहा है, वहां हमारे लोग अब गांव गली घर में लोग जो है बदलाव करने के लिए एग्री हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने महापुरुषों से परिचय कर रहे हैं। और सबको एक संदेश ये देना चाहेंगे, जो ब्राह्मण वाले जो पूड़ी खिलाते हैं, पांच की मिठाई खिलाते हैं, वो एक काम जरूर कर, उस पैसा को समाज के लिए इन्वेस्ट जरूर करें। अगर कहीं पे जब बचा रहे तो उसे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसको फायदा होगा, समाज हमारा जल्दी विकास करेगा। आलोक कुमार भारती हुआ और ऐसे हम आलोक सर, यह जो यहाँ का जो आज कार्यक्रम हुआ, इसको देखने के लिए तमाम लोग आए और यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन में मानववाद की झलक दिखाई दे रही थी, और इसमें आप क्या कहेंगे? मानववाद की झलक तो स्पष्ट यहाँ रूप से दिखाई दे रही थी, और यह कार्यक्रम में मैं अतिथि के रूप में नहीं हूँ, यह कार्यक्रम मेरा ही घर का कार्यक्रम है जी। और ये हम इस सभी इंस्टीट्यूट की मैं विद्यार्थी हूँ और लगातार मैं सीख रहा हूँ, और मैं जॉब पैलेस में भी झारखंड में भी रहता हूँ, और जहाँ भी रहता हूँ वहाँ मैं हथौड़े मारने का काम करते रहता हूँ। क्या कहेंगे सर लोगों को? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज कार्यक्रम मेरे घर में जो मनाया जा रहा है, और जो ब्राह्मणवाद पाखंडवाद के विरुद्ध है, एक विरुद्ध भी हम इसको नहीं कह सकते हैं, और यह जो कार्यक्रम जो सच्चाई जो हमारा जो बहुजन है, पिछड़ा है, दलित है, वो अपनी इतिहास को जानता ही नहीं है, और न जानने का कारण है कि उसको आज तक जानने ही नहीं दिया गया। सबसे बड़ी असली बात यही है। तो जैसे जैसे मेरा बहुजन पिछड़ा अपनी महापुरुषों की बातों को, इतिहास को जान रहा है, वो जागरूक हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि यह आने वाले दिनों में कुछ दशकों में यह क्रांतिकारी रूप लेगा। 2016 में भी अपनी शादी पंचानपुर में किया, बिना ब्राह्मण का किया, अर्जक संघ की विधि से किया। अगला अप्रैल में शादी हमारे अनुज भाई को होने वाला है, उसकी भी शादी मैं इसी मानववादी विधि से करने जा रहा हूँ। आदर्श विवाह, गाँव के सारे लोग जो युवा पीढ़ी के लड़के, इसी गांव के आप लोग हैं, इसी सारे, बहुत सारे इस गांव के विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन्होंने गरीबी में पढ़ा, एकदम लाचारी में पढ़ा, बाहर में रह करके पढ़ा, मजदूरी, उनके पिताजी किसान हैं, मजदूर हैं, बहुत संघर्ष करते हुए पढ़ा, उनके मन में ये चीज़ें बता दी गई थी, बना दी गई थी कि यहाँ भगवान है ही नहीं। अब वास्तव में कोई देवी देवता पूजते रहिए, कुछ होने जाने वाला नहीं, सब पाखंडवाद है, आडंबरवाद है, कुछ नहीं है। और इस गांव के युवा से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप देखेंगे ये बच्चा 19 साल का लड़का है, अभी देखिए इनका सिलेक्शन अभी असम राइफल में हुई है, ये 19 साल का मात्र लड़का। इनसे पूछिए कि देवी देवता का पूछने से कुछ हुआ है, अगर हुई है तो ये बताएंगे, इनसे थोड़ा बात कर लिया। क्या ईश्वर देवी देवता में आपको भरोसा था? नहीं। तो क्या मतलब पढ़ने में विश्वास करते थे? हाँ, मेहनत पर बिल्कुल। तो तमाम चीजें हैं, क्या कहेंगे अपने युवा पीढ़ी के लोगों को जो काफी अंधविश्वास और पाखंड में बजे हुए हैं, फंसे हुए हैं? यही कहेंगे कि सिर्फ मेहनत पर भरोसा रखे, ये सब देवी देवता कुछ भी नहीं। आप सबको, इस गांव के जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, उनको ये जो महापुरुषों की बात, मानववाद की बात समझने और जानने की प्रेरणा किन से मिला? ये हमारे गांव के ही बड़े दादाजी लगे, श्री नागेंद्र सिंह जी। अच्छा। और उनके छोटे भाई नरेश सिंह जी, उन्होंने ही 2007 में एक अभियान क्रांतिकारी विचारधारा हेतु चलाए थे, जिसमें ये बताया गया कि गरीब का बच्चा भी कुछ कर सकता है, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी कुछ कर सकते हैं। देवी देवता पाखंड ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें सब झूठ है, कुछ नहीं है। संघर्ष गरीब के बच्चों को बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, वो है शिक्षा, वो है संघर्ष। अगर संघर्ष करते हैं तो अगर आप आगे निकल जाएंगे, नहीं करते हैं तो जिंदगी भर पूजते रह जाएंगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ आपका विकास होने वाला नहीं है, सब कुछ ऐसे ही के ऐसे ही रह जाएगा। गरीबी से जंग, शिक्षा के संग। अब ये सारी तमाम बातें यहाँ की ग्रामीण बच्चों को, जो गरीब है, जिनके पिताजी मजदूर हैं, किसान हैं, मेरे पिताजी खुद श्री अर्जुन चौहान मेरे पिताजी का नाम हुआ, वो एक मजदूर हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, मैं खुद खेती किया हूँ, मैं खुद हल चलाया हूँ, आज हम बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर सहरसा जिला बल में पदस्थापित हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की बदौलत है, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है।
आप बताएंगे आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार हुआ जी। हम अच्छा पाँच साल सूरत में नौकरी करने के बावजूद जो चाचा जी ने आदेश दिए और ऐसा अभियान चलाए, उस बीच में अहमदाबाद लोको पायलट के पद पर हूँ। ये सिर्फ ये की है वो शिक्षा जी, बाकी पूछने से कुछ होने वाला है तो बड़ा ही रोचक है। पहले हम दिखाएंगे स्टेज का शो की, उधर कार्यक्रम भी चल रहा है। मैं भी इसी गांव के हूँ, हम भी पहले पंडित जी को पूछते थे, देवी देवता को पूछते थे, सरस्वती पूजा हम करते थे और सरस्वती को हम 10 साल बैठाए वहाँ और पढ़ाई जारी रखे और ट्यूशन पढ़ाते थे। इसके बाद भी हम में कहीं रिजल्ट नज़र नहीं आया, लेकिन जब हम उसको छोड़ करके सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दिए तो हमें यह सफलता मिली। अभी हम प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय सरघाटी में +2 टीचर के रूप में हैं और इसके पहले BPSC द्वारा प्रिंसिपल का जो परीक्षा आयोजित किया गया, हमें पूरे अनुमंडल सरघाटी में हमें सफलता मिली है और इससे प्रेरणा मिलती है कि या देवी देवता को पूजने से नहीं होता है या शिक्षा को ग्रहण करने से होता है, ये हमें मालूम है। जैसा कि आपने देखा तमाम लोग कहीं न कहीं जाकर के लोग कहते हैं कि भाग्य भरोसे बैठने से कुछ होगा नहीं, लोग मेहनत किया, स्टडी किया, पढ़ाई किया और शिक्षा के वजह से अच्छे अच्छे पदों पे लोग काबिज हैं। आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर अंजय कुमार नाम हुआ, नरेश सर का ही फैमिली डॉक्टर हूँ। जी जी ठीक है। तो यह जो आज का जो शोक सभा हुआ पहले जैसे होता था उससे थोड़ा भिन्न हुआ, तो क्या कहेंगे इस पर? भिन्न क्या हुआ, ये तो होना ही था और लोग अनज्ञान के वजह से, ज्ञान के वजह से, अगर ज्ञान नहीं था, शिक्षित नहीं था लोग था तो अंधविश्वास को मानता था। जब उसका शिक्षा ग्रहण किया और जब वो देखा कि सत्य क्या है असत्य क्या है तो लोग जानने लगा, तो देखा कि वो असत्य है, जो ब्राह्मणवाद जो है बहुत ख़राब है। आप लोग ब्राह्मणवाद को छोड़ दिए, मानववाद की ओर है? हाँ, मानववाद के हम लोग हैं। ऐसे था कि भोज क्यों नहीं किया जी, तो हम उसके बताना चाहते हैं कि भोज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मरने के बाद खान पान ही भोज नहीं होता है, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए एक हम लोग प्यार मोहब्बत बांटे, ठीक है ना। ये नहीं कि बच्चा जन्म लेता है तो उसको खुशी में खाया जाता है, शादी होता है तो उसको खुशी में खाया जाता है, तो क्या हमारे बाप दादे अगर मर जाते हैं तो क्या उनकी खुशी में हम खाना खाएं और खिलाएं लोग के? ये घोर पाप है समाज, इसके खिलाफ होना चाहिए, लोग जागरूक होना चाहिए, खोज का बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, एक चीज बड़ी बात में नागेंद्र बाबू और नरेश बाबू देखा कि इतने बड़े पोस्ट पर होते भर में वो माँ बाप को बहुत सेवा की है, अपने माँ बाप को बहुत सेवा की, मैंने देखा था अपने आँखों से, अपने पिताजी को लैट्रिन अपने हाथों से उठा कर फेंकते थे नरेश बाबू। ये मुझे बहुत दिमाग दिल में घर गया और मैं कहूँगा कोई भी कितने पोस्ट पर हो माँ बाप को सेवा बहुत जरूरी है, सर्वोपरि है। हाँ जी, मैंने अपने आँखों से देखा है नागेंद्र बाबू के पिताजी को लैट्रिन अपने हाथों से उठाते हुए। ये मैं इसको मैं अपने हर बच्चे को, जो भी बच्चा मिलता है अब किसी पोस्ट पर जाए, पर माँ बाप को सेवा जरूर करें। ब्राह्मण तो हो कुछ भी हो वो अलग चीज़ है, लेकिन माँ बाप को सेवा आप जरूर करें। ये चीज़ नागेंद्र बाबू और नरेश बाबू से सीखने को मिला मुझे, धन्यवाद। क्या करते हैं आप सर? सर मैं एक छोटा मोटा प्रैक्टिशनर हूँ और मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, नीट का तैयारी कर रहा है, बेटी मेरी IIT करने की तैयारी कर रही है और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। मेरे पिताजी किसान हैं और मेरे पिताजी नागेंद्र बाबू के और नरेश बाबू के हमेशा उपमा देते थे कि नरेश बाबू और नागेंद्र बाबू के पिताजी बहुत गरीब थे, बल्कि नरेश बाबू के माँ गोईठा बेच के पढ़ाए नरेश बाबू को। तो इस मानववादी व्यवस्था में आने से आप लोगों को लाभ मिला? लाभ मैं कह रहा हूँ कि उनसे हमारा समाज को बहुत लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात है नागेंद्र बाबू नरेश बाबू में माँ बाप को सेवा करने का जो मुझे प्रेरणा मिला है वो मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अवधेश कुमार। क्या करते हैं सर? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ जी। और ये जो श्रेय है ये हमारे चाचा जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमारे चाचा जी हुए और उन्हीं के मैंने साथ में रहकर उन्हीं के छत्र छाया में हम लोग रहकर और बहुत से हमारे गांव के जो लोग हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी जॉब में मैंने कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। अगर वो नहीं रहते तो शायद ये जो हमारा छोटा सा गांव है आज
नौकरी के नाम से गांव नहीं जाना जाता, नौकरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इस क्षेत्र गुरुआ प्रखंड में एक ऐसा नवाबचक गांव है जहां लोगों को लगता है कि अगर नौकरी में जाने के लिए सोचना है कि भाई कैसे जाया जाता है या अच्छा नागरिक कैसे बनना है, तो गांव नवाबचक जाइए और गांव नवाबचक के लोगों से सीखिए। अगर कोई जाना है और सीखा है तो हमारे चाचा जी जो कार्यक्रम करा रहे हैं, जो कर्मकांड के विरुद्ध में जो कर्मकांड नहीं होना चाहिए और ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये संदेश दिए हैं आज उन्हीं के कार्यक्रम जो हो रहा है, ये बहुत बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। शायद आने वाला पीढ़ी भी इसका अनुकरण करेगा और लगता है कि इसका धीरे धीरे बदलाव हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये तमाम लोग थे, हम कोशिश किए कि अधिक से अधिक लोगों से बात किया जाए। और एक चीज़ बता दूं कि यह नवाबचक गांव है, गुरुआ प्रखंड में है नवाबचक गांव, कि मानववादी व्यवस्था से जुड़ने का परिणाम है कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र रहा है और तमाम लोग बैठे हैं, शिरकत किए हुए हैं। और इधर देख सकते हैं आप, तमाम लोग दर्शकगण बैठे हुए हैं और लगातार कार्यक्रम चल रही है, देखेंगे। हाँ, तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, दोनों तरफ सम्राट अशोक स्तंभ है और यहाँ चमारी महतो को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। इस तरह का यह कार्यक्रम है, शोक सभा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और यहाँ का जो परिदृश्य है बहुत ही देखने योग्य है, इसलिए इस मायने में कि आज तक लोग फिजूल खर्ची किया करते थे, बड़े पैमाने में खर्च किया करते थे, आज कम खर्चों में एक अच्छा सा संदेश अपने देश को समाज को दे रहे हैं इन लोग। इन तमाम लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।